साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजनीतिक धड़े यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सत्ता आई है तब से लगातार कोशिश हो रही है कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों का यानी कि तमाम सारे विश्वविद्यालयों का भगवाकरण कर दिया जाए। धीरे धीरे कोशिश हो रही है कि चाहे राज्य विश्वविद्यालय हों, केंद्रीय विश्वविद्यालय हों या केंद्रीय अन्य उच्च शिक्षण संस्थान, वहाँ के कैंपसों में धीरे धीरे भगवा राजनीति को अंदर प्रवेश करा दिया जाए। पहली इसकी शुरुआत करने की कोशिश हो रही है कुलपतियों के माध्यम से। एक खास तरह की सोच के, खास तरह की मानसिकता के और खास तरह के जातियों के कुलपतियों को इन सारे विश्वविद्यालयों में भेजा जा रहा है। उसकी एक वजह यह है कि विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थान ही वो जगह हैं जहां से क्रांति का आगाज और सूत्रपात होता है। समय समय पर यह देखा गया है कि छात्र शक्ति, जिसको राष्ट्र शक्ति कहा जाता है, वो तानाशाही सरकारों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद और मुखर करती रही है। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि जो छात्र नेता होते हैं या छात्र शक्ति होती है, उसको आप कहते हैं कि मैच्योरिटी की कमी है, और मैच्योरिटी की कमी होने की वजह से वो दब्बू नहीं होते, वो कायर नहीं होते, वो कमजोर नहीं होते। क्योंकि जिन लोगों के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है वो अपने घर परिवार के बारे में सोचने लग जाते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचने लग जाते हैं और निजी स्वार्थों के बारे में सोचने लग जाते हैं। इसलिए मैच्योरिटी से दूर छात्र शक्ति ही वो ताकत रखती है जो देश की तानाशाही सरकारों को हिला सके। इसलिए लगातार कोशिश हो रही है कि तमाम सारे उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने मन मुताबिक ढाल लिया जाए। JNU, DU, BHU, गोरखपुर विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इस तरह की खबरें आती रहती हैं। इस बार खबर आई है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र से, जहां के 6 छात्रों को सिर्फ इस बात के लिए निलंबित नहीं, निष्कासित कर दिया गया है कि वो बहुजन नायक मान्यवर कांसीराव साहब का परिनिर्माण दिवस मना रहे थे। छात्रों ने सीधे सीधे तौर पर आरोप लगाया कि इस वर्धा के कैंपस में अगर लगातार नियमित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नियमित शाखाएं चल सकती हैं, तो अगर वो बहुजन नायक कांसीराम का परिनिर्माण दिवस मना रहे थे तो उसमें आपत्ति कहाँ है। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो सबको पता है कि सीधे सीधे तौर पर उसी का राजनीतिक धड़ा है भारतीय जनता पार्टी, अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ की शाखा लगना किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं है, तो कांसीराम साहब की परिनिर्माण दिवस मनाने से आखिर किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार प्रसार कैसे हो सकता है। इस खबर को पढ़ने के बाद जितना मुझे दुख हुआ उतना ही एक बात को लेकर खुशी हुई, क्योंकि जो 6 निष्कासित होने वाले छात्र हैं उनके नाम मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि उनके नाम जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था मेरी आंखें चमक क्यों रही थी। पहला नाम चंदन सरोज, छात्र नेता हैं, ऐसी समुदाय से आते हैं, बगल में इनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। दूसरा नाम वैभव पिपलंकर, OBC समुदाय से आते हैं। तीसरा नाम रजनीश कुमार अंबेडकर, SC समुदाय से आते हैं। चौथा नाम राजेश यादव सारथी, OBC समुदाय से आते हैं। पांचवा नाम नीरज कुमार, OBC समुदाय से आते हैं। छठवा नाम पंकज कुमार बेला, SC समुदाय से आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि छात्रों के निष्कासन पर मुझे खुशी किस बात की। मुझे खुशी इस बात की हुई कि जिस बात को लेकर नेशनल जनमत हमेशा लोगों को जागरूक करता है कि हमें महापुरुषों के विचारों की लड़ाई को साझा तौर पर लड़ना है, और यहाँ पर जो 6 छात्र निष्कासित किए गए हैं उसमें 3 छात्र OBC के हैं, 3 छात्र SC के हैं। मुझे खुशी होती अगर इसमें माइनॉरिटी के भी छात्र निष्कासित होते और ST वर्ग के भी छात्र निष्कासित होते, लेकिन एक बड़ी लकीर खींची गई है छात्रों के द्वारा, जिस OBC और दलित यूनिटी के लिए यहाँ की पार्टियाँ काम नहीं कर पाई, वो काम वर्धा विश्वविद्यालय के छात्र कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में अपने कोई निजी स्वार्थ नहीं है, कोई निजी राजनीतिक लालसा नहीं है, और वो वास्तव में बहुजन यूनिटी के लिए काम करने वाले लोग हैं। और वही बात कि उनके अंदर मैच्योरिटी की यानी कि दब्बूपन की और कायरता की कमी है। इन 6 छात्रों को कॉलेज से निकालने का फैसला लेते समय जो राष्ट्रवादी ताकतें विश्वविद्यालय में डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर बैठी हैं, उनका नाम मैं बता देता हूं। इन 6 छात्रों का निष्कासन जिन एक्टिंग रजिस्ट्रार के साइन से हुआ है, उनका नाम है डॉक्टर राजेश्वर सिंह, और वर्तमान में यहां के कुलपति हैं प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ला, यहाँ के कुलाधिपति हैं प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी। ये पहला मामला नहीं है वर्धा विश्वविद्यालय में।
यहां इससे पहले भी जाति भेदभाव, प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी और प्रशासन की मनमानी के आरोप लगते रहे हैं। कुछ समय पहले ही श्वेता भेंडारकर नाम की एक छात्रा ने अपनी जान देने की कोशिश की थी, इसलिए क्योंकि उसका पहले एडमिशन ले लिया गया, उसने एक क्लास भी ज्वाइन कर ली। उसके बाद उसको बताया जाता है जब वो दूसरी क्लास लेने गई कि तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर दिया। उसने तमाम सारे लोगों के आगे गुहार लगाई, कुलपति से भी मिली, रजिस्ट्रार से भी मिली, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। बाद में उसने कैंपस में ही अपनी जान देने की कोशिश की। ये तो छात्रों की बात हो गई, मैं एक ऐसे प्रोफेसर का नाम आपको बताता हूँ, सुनील कुमार सुमन। इस समय सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वालों में, वंचित समाज के लोगों के हक में आवाज बुलंद करने वालों में सुनील कुमार सुमन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वो यहाँ के सहायक प्रोफेसर हैं। मैं तो वो था जब वर्धा विश्वविद्यालय के 90 प्रोफेसरों में सुनील कुमार सुमन एकमात्र अकेले आदिवासी समुदाय से आने वाले प्रोफेसर थे। इसी वजह से उनके ऊपर आरोप लगवा करके 2 साल से ज़्यादा समय विश्वविद्यालय से उनको निष्कासित रखा गया, 2 साल तक नौकरी नहीं करने दी गई। जब मुंबई हाईकोर्ट में वो केस जीते और मुंबई हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के जातिवादी प्रशासन को सीधे निर्देश दिए कि इनकी नियुक्ति कराई जाए, उसके बाद उनको वर्धा विश्वविद्यालय में नियुक्ति दी गई, लेकिन उनकी सैलरी 2 साल से ज़्यादा समय तक लटकाए रखा गया, उनको कुर्सी मेज तक उपलब्ध नहीं कराई गई। ज्वाइनिंग के बाद भी खेल देखिए कि उनका तबादला, तत्कालीन जो कुलपति थे गिरीश्वर मिश्रा, उनकी पॉपुलरिटी से चिंतित हो करके वो लगातार जो शोषित और वंचित वर्ग की आवाज़ उठाते थे, तमाम महापुरुषों की जयंतियां मनाते थे, छात्रों को जागरूक करते थे, उनके हक में आवाज़ बुलंद करते थे, उनका तबादला कोलकाता सेंटर के लिए कर दिया गया। उसके बाद आदिवासी, दलित और पिछड़े समुदाय के तमाम सारे छात्र उनके साथ धरने पर बैठे, उसके बाद उनका तबादला निरस्त किया गया था। तो अकेले छात्रों की बात नहीं है, इस तरीके से जो सामाजिक न्याय के पक्ष में आवाज़ बुलंद करते हैं प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके साथ भी तमाम सारे विश्वविद्यालयों में इस तरह का जातिगत भेदभाव की खबरें सामने आती रहती हैं। छात्रों के निष्कासन में कांसीराम साहब के परिनिर्माण दिवस मनाने के अलावा एक और आरोप जोड़ा गया है कि इन्होंने प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखा था, और इस पत्र में उन्होंने अपने घर परिवार की समस्याएं नहीं लिखी थी, उसमें लिखा था दलितों, अल्पसंख्यकों की मॉब लिंचिंग के बारे में, बढ़ती यौन हिंसा व बलात्कार के बारे में, 2 माह से कैद कश्मीर की आज़ादी के बारे में, रेलवे, BPCL, एयरपोर्ट जैसे तमाम सारे सार्वजनिक उपकरणों के निजीकरण के बारे में, NRC के नाम पर मुस्लिमों को खास तौर पर टारगेट किए जाने के बारे में, देश भर में आदिवासी वंचित वर्ग के नेताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, लेखकों, बुद्धिजीवियों के दमन व उन पर राजद्रोह के मुकदमे दर्ज किए जाने के बारे में। ये 6 छात्र उन सैकड़ों छात्रों में से ही थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम में पत्र लिखकर इन सारी घटनाओं पर उनसे जवाब मांगा था। हमें इन छात्रों को केवल सैल्यूट ही नहीं करना है, केवल इनकी तारीफ ही नहीं करनी है, इन छात्रों के साथ डट करके हर कीमत पर खड़े भी रहना है, क्योंकि इन छात्रों को निलंबित नहीं किया गया है बल्कि विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया है, यानी कि इनको निष्कासित कर दिया गया है। सोचने की बात यह है कि ये 6 छात्र अपने घर परिवार की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, इनके सारे मुद्दे वो मुद्दे हैं जो हमारे आपके आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़े हुए हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आज इस तरह के 6 छात्रों को निष्कासित करने की हिम्मत उस जातिवादी प्रशासन ने की है, तो हम सबको इन छात्रों के साथ मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ पर नेशनल जनमत एक और अपील करना चाहता है, हम अपने महापुरुषों को किसी खास जाति के बंधन में ना बांधें, इसलिए क्योंकि मुट्ठी भर लोगों के लिए काम करने वाले नेता राष्ट्रीय नेता बन जाते हैं, लेकिन देश के 85% से ज़्यादा लोगों के लिए काम करने वाले लोगों के आगे हम कुछ खास टाइटल जोड़ देते हैं, जैसे दलित नेता, पिछड़े वर्ग का नेता, अल्पसंख्यक समाज का नेता। हमें इन सारी चीज़ों से बचना है, हमें अपने नेताओं के नाम के आगे इस तरीके के जाति सूचक शब्दों को, या ये कह लें कि उनकी संकीर्णता बताने वाले शब्दों को जाहिर नहीं करना है। हमें ये कोशिश करनी है कि हमारे नेता जो 85% वर्ग के लिए काम करते थे, वो देश के बहुसंख्यक वर्ग के लिए काम करने वाले नेता थे, इसलिए वो राष्ट्रीय नेता भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय नेता भी हैं। यहाँ पर वर्धा विश्वविद्यालय के जातिवादी
प्रशासन को यह समझना चाहिए कि जिन महापुरुष के नाम पर उस विद्यालय का नाम है, महात्मा गांधी के नाम पर, वो भी एक खास पार्टी से जुड़े हुए थे। जिन महापुरुषों की हम जयंतियां मनाते हैं उनमें से तमाम सारे महापुरुष निश्चित तौर पर कभी ना कभी किसी न किसी पार्टी के सदस्य रहे हैं। ऐसे में माननीय कांसीराम साहब ने अगर बहुजन समाज पार्टी नाम से कोई पार्टी बनाई थी तो उनकी जयंती मनाने पर कुछ छात्र नेताओं को अगर आप निष्कासित कर देते हैं तो इसको क्यों ना हम आपका जातिवाद माने। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए और अपनी ताकत भर से अपनी पूरी कोशिश करके इन छात्रों के हक में आवाज बुलंद करते रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं।